दोस्तों स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात ITI एग्जाम्स और एडमिट कार्ड की। हाँ तो भैया एग्जाम 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 ये वर्ड सुन के ना सबकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब आपको ये ना पता हो कि हमारा एग्ज़ाम कब कहाँ और कैसे, तो हमारा दिमाग का कीड़ा काम ही नहीं करता है। तो चलिए इस समस्या को भी हम आपकी दूर किए देते हैं और बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब कहाँ और कैसे होगा। दोस्तों आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर को कॉल कर करके परेशान कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो आप अपना एग्ज़ाम खुद कैसे कब कैसे एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल होगा, और कई ज़िलों में हो गए हैं अवेलेबल क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम है, फेज वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम है, तो इस सिलसिले में कहाँ कब और कैसे अवेलेबल होगा आपका एडमिट कार्ड, ये सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कब और कैसे इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और उसके बाद देखिएगा कि ये थ्री डॉट्स जो हैं हमारे, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी हाँ, इस पर क्लिक करना है, इससे और अच्छे से आपको दिखेगी साइट। जी हाँ, ये सिलेक्ट हो गई हमारी डेस्कटॉप साइट। अब आपको हम लिखना है NCVT MIS, ये टाइप करना है, उसके बाद सर्च कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों हमारी साइट ओपन होके आ जाती है और ये इस पहली वाली साइट पे हमको क्लिक करना है, इस वाली साइट पे। दोस्तों वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाती है। हम लोगों को एडमिट कार्ड्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमको ट्रेनी वाले ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विंडो ओपन होके आ जाती है। तो हमको ट्रेनी प्रोफाइल वाले पे इस वाले ऑप्शन पे चलना है। जैसे ही इस ट्रेनी प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट करना है। जो इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर आ जाता है, इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसे कैलेंडर आ जाएगा और इसको आप इसी में से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। हम एक कैंडिडेट का आपको लाइव दिखा दे रहे हैं, ये हमने उसका रोल नंबर आप टाइप करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 00190180 आपका रहे रोल नंबर, तो यहाँ पे आप सिंपली सबसे पहले 00 हटा के R ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो आपका प्रोफाइल जो है ओपन नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन पे फादर नेम टाइप करना है। उसके बाद हमको उसकी जन्म तिथि कैंडिडेट की सिलेक्ट करनी है इसी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो कह लीजिए वो फिल कर लिया है, पिता का नाम फिल कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया है और कैप्चा कोड भी फिल कर लिया है। इसके बाद हमको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ट्रेनी प्रोफाइल ओपन होके इस प्रकार से आ जाती है। दोस्तों इसके बाद हमको और नीचे तरफ आ जाना है और देखना है यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। दोस्तों ये कैंडिडेट जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप फ्रेश हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ से हॉल टिकट मिलेगा। अगर आपका बैक पेपर एग्ज़ाम देना है तो आपको यहाँ से हॉल टिकट मिलेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर बैक पेपर है तो यहाँ से, और अगर फर्स्ट टाइम फ्रेश एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हॉल टिकट जनरेट होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ से होता है, और सेकेंड ईयर में हैं तो ये ईयर वाइज हमको ये दिया गया है। ये यहाँ पे देख लीजिए ईयर, ये फर्स्ट ईयर और ये दूसरे ईयर का कॉलम है। ये कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था, बैक पेपर एग्ज़ाम था, जिस ट्रेनी का हमने प्रोफाइल खोला है। तो सिंपली हमको यहाँ से मिलेगा हॉल टिकट, तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो देख लीजिएगा, हमको मान लीजिए इनका फर्स्ट ईयर में बैक पेपर लगा है तो इस पर हमको हॉल टिकट वाले ऑप्शन पर फर्स्ट ईयर में क्लिक करना है। तो इस प्रकार से इनका जनरेट होने लगेगा एडमिट कार्ड। तो कह रहा डाउनलोड कर लीजिए हॉल टिकट, हमने इस कैंडिडेट का हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया है। तो इस प्रकार से अब ओपन होके आ जाएगा, ये देखिए
हॉल टिकट ओपन होकर कैंडिडेट का आ जा रहा है। इसमें आप लोग अपना नाम रोल नंबर कंफर्म कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, ये इसका मतलब हो जाता है आईएएस का मतलब एग्ज़ाम, वन एस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एस का मतलब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ट्रेड थ्योरी दिया गया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन दिया गया है। तो इसमें टाइम एंड डेट एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी प्रोवाइडेड ऑन सीबीटी एग्जाम हॉल टिकट फ्रॉम सीबीटी पोर्टल। दोस्तों यही सीबीटी पोर्टल है आपका और कहीं से भी नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि आप जो आपका एग्ज़ाम का डेट टाइम ये सब शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको रेगुलर आपको विजिट करना होगा, यही कह रहा है ये। आप इसको रेगुलर विजिट करते रहिएगा, दो दिन पहले। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस ऑन दिस हॉल टिकट माइट बी चेंज्ड, प्लीज कंफर्म विद द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट 2 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। तो 2 दिन पहले आपको प्रिंसिपल से आपको पूछना पड़ेगा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। तो इसको आपको विजिट करते रहना है और पता कर लीजिएगा आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कि हमारा सेंटर तो नहीं चेंज हो गया। मान लीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट के मेन कॉलेज में कराते हैं या कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि सीबीटी हॉल टिकट में हर जगह कंप्यूटर सब अवेलेबल नहीं होते हैं। तो देखिएगा, प्लीज़ कैरी अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड अलॉन्ग द दिस हॉल टिकट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर जाने के लिए आपको एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना ज़रूरी है, चाहे वो आपके आईटीआई कॉलेज का फ़ोटो आईडी कार्ड हो, पहचान पत्र, या फिर आप अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास वो ले जा सकते हैं। और है कि 45 मिनट पूर्व आपको सेंटर पर पहुंचना है। और इसमें दिया है द डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मेंशनड अबव द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्लीज़ गेट द एंटायर शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। क्योंकि दोस्तों ये आपको प्रिंसिपल से मिल जाएगा सारी जानकारी, क्योंकि क्या होता है ना कि इस बार का एग्ज़ाम जो है फेज वाइज तो पिछले बार भी था, लेकिन कन्फर्म कर दिया था कि इतने से इतने टाइम में इनका एग्जाम होगा। तो इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिए कि आज इलाहाबाद आगरा, मतलब 10 जिलों का दे दिए कि इस दिन होगा, 10 जिलों का दे दिए कि 2 से 3 दिन इस दिन होगा। तो इस तरह से इसलिए आपको पूछना पड़ेगा कि भैया कब एग्जाम है, अपने प्रिंसिपल कॉलेज इंस्ट्रक्टर से आप इस चीज़ के बारे में कन्फर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको एक बात हम बता देते हैं। दोस्तों अगर आप पास हो गए हैं तो आपको यहां से ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहां से प्रिंट सर्टिफिकेट से मिल जाता है, जिसका आप सिग्नेचर वैलिडेट कराकर प्रिंट कराकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और सभी ईयर की मार्कशीट यहां से आपको मिल जाएगी, जिसको आप सुरक्षित रख लीजिएगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी, सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर वैलिडेटेड ही सर्टिफिकेट हर जगह मान्य होती हैं। इसके लिए आपको किसी दिन हम एक अच्छा सा वीडियो कैसे सिग्नेचर वैलिडेट करते हैं इसके बारे में बना के अपलोड कर देंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर हॉल टिकट में कोई प्रॉब्लम होती जनरेट करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।